नमस्कार, एसडीएफ न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आर के रोशन। आइए देखते हैं अब तक की 10 बड़ी खबरें। पूर्व मंत्री श्याम रजक ने जदयू से निकाले जाने के बाद अब वे राजद की बेहतरी के लिए काम करेंगे। उनके लिए जदयू की खूबियां अब बीते दिनों की बातें हो गई, जबकि जदयू के लिए श्याम में खामियां ही खामियां हैं। राजद से तीन विधायकों का मोह भंग होते ही जदयू के साथ उनका नाता जुड़ गया और वे लोग अब राजद को सिद्धांत विहीन और परिवारवादी मान रहे हैं। प्रेमा चौधरी, महेश्वर यादव, डॉक्टर अशोक कुशवाहा तीनों अब जदयू के हो चुके हैं। बिहार में फिर से 6 सितंबर तक के लिए नई गाइडलाइंस के तहत कामकाज किए जा सकते हैं। दुकानें सुबह 6 से 10 बजे खुली रहेंगी और धार्मिक स्थलों, पार्क, बस, मॉल तथा शैक्षिक संस्थानों को बंद रखा गया है, लेकिन सभी लोग मास्क के प्रयोग के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे। कश्मीर में पाकिस्तान प्रशिक्षित आतंकी हमला करने से बाज नहीं आ रहे हैं। इस बीच वहां के बारमूला में सेना ने 2 आतंकी को मार गिराया तथा बिहार के 2 सपूत भी शहीद हो गए। राजनीतिक बयानों के बीच बिहार भाजपा के प्रभारी भूपेंद्र यादव ने साफ कर दिया है कि जहां एनडीए के बैनर तले नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही विधानसभा चुनाव लड़े जाएंगे। विश्व स्तरीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री समेत अनेक लोगों ने शोक व्यक्त किया। 90 वर्ष की आयु में उनका निधन विदेश में हो गया। खबरों के मुताबिक पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। वे कई दिनों से वेंटिलेटर पर ही हैं। उनका आर्मी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। बंगाल की खाड़ी में निम्न हवा दबाव के कारण फिर एक बार बिहार के लगभग सभी जिलों में तेज से मध्यम बारिश का अनुमान मौसम वैज्ञानिकों ने लगाया है। इस बीच पटना के गांधी घाट में गंगा नदी लाल निशान से 6 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। मधुबनी, बक्सर, शेखपुरा, सुपौल, सहरसा, सिवान की सड़कों का जल्द जीर्णोद्धार किया जाएगा। ये बातें पथ निर्माण कार्य मंत्री ने कही है। कुल 62 किलोमीटर सड़कों का जीर्णोद्धार होगा। बिहार सरकार ने राज्य में बेहतर विधि व्यवस्था के लिए 17 आईपीएस अधिकारियों को नई जिम्मेदारी देते हुए उन्हें 9 जिलों की कमान सौंप दी है। आसन विधानसभा चुनाव को देखते हुए ऐसा किए जाने की संभावना व्यक्त की जा रही है। खबरों के इस सफर में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए एसडीएफ न्यूज।